हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ईयर कैसे फाइंड करते हैं इन सी लैंग्वेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज ईयर सो बेसिकली एक साल में नॉर्मली हमारे 365 डेज आते हैं बट अगर हमारा जो ईयर है वो अगर लीप ईयर होता है इट मीन्स लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं और याद रखिए गाइस, हमारा जो लीप ईयर है वो हर चार साल में एक बार आता है इट मीन्स अगर हमारे जो फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होंगे इट मीन्स वो साल वो पर्टिकुलर साल हमारा लीप ईयर होगा हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी लिपियर को फाइन करने के लिए तो यहाँ पे बेसिकली तीन कंडीशन आती है लिपियर को फाइंड करने के लिए क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो लिपियर है वो हर चार साल में एक बार आता है इट मीनस हमारी कंडीशन जो होगी यार मस्ट बी डिविज़िबल बाय फोर कि हमारा जो साल है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए चार से और हमारी सेकंड कंडीशन इस तरह से आएगी कि हमारा जो साल है वो डिविजिबल होना चाहिए फोर हंड्रेड से बट नॉट डिविजिबल बाय हंड्रेड बिकॉज अगर हमारा जो साल है वो हंड्रेड के सीरीज में आता है लेट्स एटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड सो ये हमारा जो साल है वो हंड्रेड से डिविजिबल हो रहा है लेकिन वो हमारा चार और चार सौ से डिविजिबल नहीं हो रहा है इसीलिए हम उसे लीप ईयर नहीं कहेंगे अगर हमारा साल कम्प्लीटली फोर से एंड फोर हंड्रेड से डिविजिबल होता है और हंड्रेड से डिविजिबल नहीं होता है इट मीन्स पर्टिकुलर वो जो ईयर है वो हमारा लीप ईयर होगा सो so, हम यहाँ पे इफ एल कंडीशन अप्लाई करेंगे लिपियर को फाइंड करने के लिए सो so, गाइस यहाँ पे हमारा टर्बोसी प्लस प्लस ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम हमारा कोड करेंगे लिपियर को फाइंड करने के लिए सो so, सबसे पहले हमें यहाँ पे इंक्लूड करानी होगी हेडर फाइल सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच नाउ अब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट आएगा वो होगा हमारे मैन फंक्शन के लिए तो याद रखिए गाइस मुझे यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है इसीलिए हमारा जो मैन फंक्शन है उसका डेटा टाइप यहाँ पे होगा वॉइड बिकॉज वॉइड जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ पे हम लेंगे वाइड मैन सो so, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्रिएट हो चुका है और मेन फंक्शन के बॉडी पार्ट में हम हमारा कोड करेंगे लिपियर को फाइन करने के लिए सो so, गाइस आप यहाँ पे दो तरीके से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप पर्टिकुलर जो ईयर है उसे आप इनिशलाइज़ करिए और उसे आप फाइन करवाइए कि वो जो आपने ईयर इनिशलाइज़ किया है वो लिपियर है या नहीं और सेकंड ऑप्शन है आप यूज़र के थ्रू ईयर को एंटर करवा के आप चेक करवा सकते हैं वो जो यूज़र ने साल एंटर किया है वो लिप ईयर है या नहीं सो so, मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यूज़ करूँगी तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी और हमारा वेरिएबल याद रखेगा इस यहाँ पे होगा इंटीज़र डेटा टाइप का तो यहाँ पे हम लेंगे इंटीज़र ईयर तो याद रखेगा गाइस यहाँ पे मैंने अपना जो ईयर है वो इनसेलाइज़ नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़र के थ्रू हमारा जो ईयर है वो एंटर करवाऊँगी सो so, अब हमें यहाँ पे यूज़र के थ्रू नंबर एंटर करवाना है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट देना होगा ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे हमें एक ईयर एंटर करना है लिप ईयर को चेक करवाने के लिए तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट आएगा प्रिंट एफ और डबल कोट में हम हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर अयर टू चेक ईयर अब जैसे ही यहां पे यूजर एक ईयर एंटर करता है तो वो सीधा हमारे पर्टिकुलर इस ईयर वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए तो स्टोर कराने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा स्कैन एफ और परसेंटेज डी बिकॉज़ हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है यहाँ पे इंटीज़र सो परसेंटेज डी और यूज़र ने जो एंटर करा है नंबर वो सीधा चला जाना चाहिए हमारे ईयर वेरिएबल में सो so, यहाँ पर हमें लिखना होगा एट ईयर So, जैसे ही हमारा यूज़र एक साल एंटर करता है और हमारे ईयर वेरिएबल में आ जाता है तो हम यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई करेंगे लिप ईयर को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन आएगी कि हमारा जो साल है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए फोर से एंड देन फोर हंड्रेड से बट नॉट डिविजिबल बाय हंड्रेड सो मीन्स यहाँ पे हमारी तीन कंडीशन आएगी लेकिन मैं यहाँ पे गाइस हमारा जो दो कंडीशन है जैसे कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है फोर से एंड फोर हंड्रेड से उसे मैं एक ही साथ लूंगी इट मीन्स यहाँ पे हमारे इफ कंडीशन में मैं पहले चेक करवाऊंगी हमारा जो साल है वो कंप्लीटली फोर से डिविजिबल हो रहा है सीयर मॉड्यूल फोर इक्वल टू इक्वल टू जीरो एंड सो याद गाइस यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रही हूँ ताकि अगर हमारा जो कंडीशन है सो so यहाँ पे लेट्स से हमारी सेकंड कंडीशन है ईयर मॉड्यूल 400 इक्वल टू इक्वल टू जीरो इट मींस यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चेक करेगा अगर हमारा जो साल है वो कम्प्लीटली फोर से एंड फोर से अगर डिविजिबल होता है इट मीन्स अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा जो एफ के बॉडी पार्ट में हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट कराया होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए अदरवाइज सीधे अपने एल्स पार्ट में चला जाना चाहिए सो so, यहाँ पे हम अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे के बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि हमारा जो साल है वो लिपियर है अगर यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा एल्स के बॉडी पार्ट में जाना चाहिए कि हमारा जो साल है वो लिपियर नहीं है लेकिन यहाँ पे हमें एक और कंडीशन अप्लाई करनी होगी जो है हमारा जो साल वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है फोर से एंड फोर हंड्रेड से बट नॉट डिविजिबल बाय हंड्रेड सो यहाँ पे एक और कंडीशन लेनी होगी जो है इफ़ एल्स और यहाँ पे हम हमारी कंडीशन लिखेंगे हमारा जो साल है अगर वो हंड्रेड से डिविजिबल होता है तो उसके बॉडी पार्ट में जाना चाहिए हमारा जो साल है वो लिपियर नहीं है ओके okay, सो so यहाँ पे अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा हमारे एल्स के बॉडी पार्ट में जाना चाहिए जो साल है वो लिपियर नहीं है ओके okay, सो so यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन अप्लाई हो चुकी है तो पहले हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चेक करेगा अगर हमारा साल कम्प्लीटली फोर से एंड फोर हंड्रेड से डिविजिबल होता है दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट आना चाहिए साल जो है वो लिपियर है अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो सीधा हमारा एल्स के बॉडी पार्ट में चला जाना चाहिए कि जो हमारा ईयर है वो लिपियर नहीं है अगेन अगर हमारा यूज़र लेट्स से ऐसा साल एंटर करता है वो जो हंड्रेड से डिविजिबल है फोर हंड्रेड से और फोर से डिविजिबल नहीं है तो उससे आउटपुट मिल जाना चाहिए कि उसने जो साल एंटर किया है वो लिपियर नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो रेडी है सो so, हमें यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट स्क्रीन में देखना है इसलिए यहाँ पे एक और फंक्शन लिखना होगा जो है गेट सी एच और हमेशा याद रखिएगा गाइस आपको यहाँ पे एक और फंक्शन ले लिखना होगा जो है क्लियर स्क्रीन ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट हो आउटपुट स्क्रीन में वो क्लियर हो जाए सो so, अभी यहाँ पे हमारा फाइनली कोड रेडी हो चुका है लिपियर को फाइंड करने के लिए सो so, चलिए अब हम इसे रन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज शो हो रहा है एंटर अ ईयर टू चेक लिपियर यहाँ पे हमें एक नंबर एंटर करना होगा तो यहाँ पे मैं एक साल एंटर कर रही हूँ लेट से सिक्सटीन हंड्रेड सो यहाँ पे आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड इज़ अ लिपियर बिकॉज गाइज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जो सिक्सटीन हंड्रेड है वो फोर एंड फोर हंड्रेड से कम्प्लीटली डिविजिबल है अब हम एक ऐसा साल लेते हैं जो हंड्रेड से डिविजिबल हो let's say 1700. So यहां पे 100 से से सो पे डिविजिबल हो रहा है लेकिन यहाँ पेड्रेड से डिविजिबल नहीं हो रहा है अगर आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा हंड्रेड इज नॉट अ नॉटियर बिकॉज सेवनटीन हंड्रेड हंड्रेड से डिविजिबल हो रहा है लेकिन फोर एंड फोर हंड्रेड से डिविजिबल नहीं हो रहा एक और बार यहाँ पे हम रन करेंगे और इस बार हम चेक करवाएंगे टू थाउजेंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हंड्रेड से भी डिविजिबल हो रहा है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने कंडीशन अप्लाई की है फोर एंड फोर हंड्रेड से डिविजिबल होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टू थाउजेंड है वो फोर एंड फोर हंड्रेड से डिविजिबल हो रहा है इट मीन हमारी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो रही है इसीलिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा टू हंड्रेड इज़ अ ईयर सो इस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क करता है और आई होप आप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके होंगे सो so, अगर आपको ये जो कोड है और ये जो प्रोग्राम है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को थैंक यू